मेरे लिए, और क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ गया। हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और बाय द वे, आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आप लोग जब भी वीडियो देख रहे होंगे तो ये हैप्पी न्यू ईयर का दिन ही, मैंने न्यू डेट को ही 1 जनवरी को ये वीडियो जाने वाला है। तो जहाँ तक मेरे को ख्याल है कि अरे भाई, हम बाहर आए थे कुछ खरीदने के लिए, तो वो खरीद के फिर आपसे तो बात करेंगे। हाँ तो भाई, अभी वो चीज़ लेके आ गए जो लेके आना था। कुछ नहीं भाई, बस खाने का चीज़ था। और हैप्पी न्यू ईयर जो भी 1 जनवरी को ये वीडियो देख रहा है, तो नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसा गया आपका 2022? कमेंट में आकर ज़रूर बताना, अगर वो एक मूवी था तो कैसा मूवी था, और सबसे बड़ा टाइम वेस्टर क्या था आपके लिए। मेरे लिए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टाइम वेस्टर था सोशल मीडिया। मेरे हिसाब से, मेरे लिए, और क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ गया यूट्यूब इंस्टाग्राम करने में, जो कि जहाँ से हम बहुत सारा चीज़ सीखे भी और बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे अपना टाइम दिए भी। तो यूट्यूब से तो ऐसा सच हम नहीं कह सकते कि वहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ। हाँ, हालांकि इंस्टाग्राम में थोड़ा सा हुआ वो स्क्रॉल करने के चक्कर में। और मेरा 3 रिसेशन है, मैंने गोल कह सकते हो 2023 का 3 ही है। एक इस चैनल को पूरा बूस्ट करके 100 के तो बहुत मेरे को लग रहा है कि पहुँच जाए, नहीं पहुँचे बट एटलीस्ट 10K तो नेक्स्ट ईयर पहुँचना है। और स्क्रॉलिंग बंद करना है, मीन्स जो रील शॉर्ट्स ये। और थर्ड, पढ़ाई में भी ऊपर जाना है भाई, अगला साल बोर्ड्स आएगा तो। हाँ, और जिसका बोर्ड्स का डेट शीट आ गया है, आप लोगों को पप्पी। पिछले साल मेरा भी था, इस साल आपका भी है, मज़े करो। और जो 10th में है वो तो और मज़े करो। 12th वाला लोग का तो लंका लगा ही हुआ है, तुम लोग भी अपना लगाओ बढ़िया से। और जो पढ़ाई नहीं किया होगा उसका तो पक्का 110% गया ही गया है। अभी मेरे को वीडियो अपलोड करना है, देखते हैं कब तक अपलोड होगा, क्योंकि एडिट 1% भी नहीं हुआ है। करेंगे एडिट जल्दी से जल्दी और अपलोड करके। खाना में तो ऐसा सच वही जो नॉर्मल रहता है, दाल भात होगा चाहे रोटी सब्जी होगा। फिर शाम को जाएंगे खेलने, तो अपना दोस्त का भी ओपिनियन देते हैं 2022 उसके लिए कैसा गया। हालांकि मेरा मोस्ट ऑफ द दोस्त के लिए खराब ही गया, मेरे लिए रोलर कोस्टर था भाई। कभी बहुत सारा डाउन भी आया, बहुत सारा अप्स भी आया, बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला। बट 2022 में हमें जो पर्सन चेंज हो गया, मैंने मेरा सोचने का तरीका, पर्सपेक्टिव, नज़रिया एक सिचुएशन को देखने का मेरा बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। कि फर्स्टली हम किसी चीज़ का पॉजिटिव साइड देखते हैं, फिर हम कोई भी चीज़ करते हैं या सोचते हैं करने का, ठीक है ना। तो आपको लिए तो हम बता ही दिए, कमेंट्स में आकर ज़रूर बता देना। और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, देखते हो तो लाइक कर दिया करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अरे बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट देंगे भे, 2023 में आग लगाना है, पूरा पूरा आग लगाना है, ठीक है। तो देखा जाए जैसे होता है, जो भी होता है। बट शाम को जाएंगे तो अपना दोस्त लोग से बात करते, उन लोग से भी पूछते हैं कैसा गया। यही तो F=ma, फोर्से का जब हर बार फॉर्मूले बताते रहती है, क्या करेंगे देखो, एक और बता रही है। तो व्हाट वी कैन डू, तो मिलते हैं आपसे शाम को खेलने आने समय, ठीक है। ओ चूना लगा दिया। तो भाई अभी मेरा हालत पूरा खराब है, ठीक है। और जो भी है, जैसा भी है, इस व्लॉग को, मेरे को पता बहुत छोटा है, बट इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। और हो सके तो न्यू ईयर पे कोई नया गोल लो, उसको अचीव करो और मज़े करो। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ज़िंदगी में मज़े करते रहना ब्रो, मज़े करते रहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बोलो राधे राधे।